झालावाड़ बारा में हमने देखा कि कैसे वसुंधरा राजे पहुंची थी अपने पोते के साथ मतदान करने, तो क्या वसुंधरा राजे को देखकर या उनके प्रचार से वहां पर लोग प्रभावित हुए हैं? क्या मतदाताओं की संख्या में पिछले 1.5 से 2 घंटे के भीतर इजाफा हुआ है? देखिए, जिस तरीके से जो बाला झारावाड़ जो है वो पूरी तरीके से वसुंधरा का गढ़ माना जाता है, क्योंकि 35 साल से कांग्रेस अपना खाता यहाँ पर नहीं खोल पाई है और 15 साल बाद एक बार फिर से वही तस्वीर देखने को मिल रही है जो 2009 में देखने को मिली थी, जो कि कांग्रेस की जो जिस तरीके से पूर्व मंत्री है उनकी पत्नी यहाँ पर सामने है और उसके अलावा जो BJP की जो वसुंधरा राजे हैं उसके बेटे यहाँ पर मुकाबले में है। यानी कि सीधे तौर पर जो वसुंधरा के गढ़ में, इसीलिए यहाँ पर प्रमोद जैन भाया की पत्नी को मैदान में उतारा गया है ताकि क्या लड़ सके, क्योंकि 2009 में भी हमने देखा था कि वोटों के जो जीत का अंतर था वो काफ़ी कम हुआ था और यहाँ पर जो कतारें हैं सीधे तौर पर जो लंबी कतारें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और मेरे सहयोगी यहाँ पर जो जिस तरीके से यहाँ पर जुड़ चुके हैं महेश परिहार, महेश आपसे जानना चाहेंगे क्या कहता है यहाँ का गणित और सीधे तौर पर जो मतदान प्रतिशत है उसको बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने किस तरह की यहाँ पर जो कोशिश की है? जी बिल्कुल आशीष, मतदान का प्रतिशत प्रथम चरण में काफ़ी कम रहा था, ऐसे में जो जिला प्रशासन है, निर्वाचन विभाग है, इसके द्वारा लगातार प्रयास किए गए सतरंगी सप्ताह के माध्यम से, जिसका जहाँ तक है काफ़ी कुछ हद तक असर भी नज़र आ रहा है। एक लंबी कतार है यहाँ पर मतदान केंद्रों पर, आज सवेरे से ही लगना शुरू हो गई है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मतदान के प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी। आप वोटर हो? जी। वोट दे दिया आपने लाइन में? अच्छा, क्या सोचकर आए हो आप मतदान करने आए हो, किस मुद्दों को लेकर आप वोट दे रहे हो? भारत का विकास। भारत का विकास, आपको लग रहा है भारत का विकास हो रहा है वोट से? होगा, होगा। वापस भारत सोने की चिड़िया हो जाएगा यदि मोदी जी जीत जाएंगे तो। अच्छा, लोकतंत्र मजबूत हो रहा है? मजबूत हो रहा है बिल्कुल। महिलाओं की भागीदारी अहम है इसमें? बहुत ज्यादा। आप सारे काम छोड़कर, सारे काम छोड़कर मजबूती के लिए वोट देना जरूरी है, महिलाएं वोट देने पहुंची हैं और ऐसे में बारा झालावाड़ क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वसुंधरा राजे अपना अच्छा खासा प्रभाव भी यहां पर रखती हैं। शुक्रिया आपका, आपके पास फिर से लौटेंगे, लेकिन इसी बीच हमारे सहयोगी पाली से सुभाष हमारे साथ बने हुए हैं। सुभाष, अपनी बात पूरी कीजिए, किस तरह का उत्साह पाली में इस वक्त नजर आ रहा है? देखिए, हिमाद्री ग्रामीण इलाकों के अंदर जरूर उत्साह है लोगों के अंदर, क्योंकि प्रवासी जितने भी लोग थे उनके लिए बसों की और ट्रेनों की व्यवस्था की गई थी और जिला प्रशासन की ओर से भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई तरीके के तरीके अपनाए गए थे, क्योंकि पिछली बार राजस्थान के अंदर पाली का ही सबसे कम मतदान रहा था, इसलिए इस बार प्रशासन बिल्कुल चौकसबद रह करके नुक्कड़ सभाओं के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा जागरूकता शिविर लगा करके लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। अब आज अगर मतदान की बात करें तो 39 नंबर बूथ के ऊपर तकरीबन आधा घंटा देरी से हुआ मतदान, उसका कारण यह था कि ईवीएम मशीन जो उसमें तकनीकी कारणों से खराबी आ गई। एक धनला गांव है जहां पर 181 बूथ नंबर था, वहां 1.25 घंटा देरी से मतदान शुरू हुआ था, अभी अभी मतदान शुरू हुआ है, लेकिन लोगों में आक्रोश इस बात को लेकर के लिए कि क्या ये जो 1.25 घंटा आधे घंटे देरी से शुरू हुआ इसका हमारे को अलग से टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल सुभाष, और अभी देखिए और भी ऐसी कई तस्वीरें सामने आएंगी जहां पर ईवीएम में खराबी आएगी, मतदान कई कारणों से देर से शुरू हुआ है। हमारे सहयोगी निजाम भी हमारे साथ बने हुए हैं। निजाम, आपने पूरे राजस्थान में जो है जगह जगह के क्षेत्र विशेष के बारे में जाना है, वहां के प्रत्याशियों के बारे में जाना और इस वक्त आप जो है जोधपुर में मौजूद है और जोधपुर एक हॉट सीट मानी जाती है हमेशा से, तो जोधपुर में किस तरह का माहौल इस वक्त है? मेरे सहयोगी निजाम मेरे साथ जुड़े। निजाम, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल हार्दिक, आपकी आवाज आ रही है। आप अभी जोधपुर में मौजूद हैं और जैसा कि आप मोजो रिपोर्टर के जरिए आपने तमाम क्षेत्रों को कवर किया है, जोधपुर की राजनीति आप कैसी अलग देख पा रहे हैं, जोधपुर में वोटर्स का उत्साह कैसे आप अलग देख